इस सत्र का वक्तव्य के लिए विषय है भारतीय संविधान और हम भारत के लोग। इस विषय को देखता हूं तो मुझे गांधी जी का जंत्र याद आता है और याद आती है उसके भीतर की वह ध्वनि जिसमें वे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकने की बात कहते हैं जिनके पेट भूखे और आत्मा अतृप्त है। भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए है। वह अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के रूप में जनता को जो शक्ति दी इसके लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। निश्चित तौर पर यह संविधान हमारे स्वतंत्रता आंदोलनों की प्राप्ति है। संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता आदि शब्द हमारे संविधान और हम भारत के लोगों के लिए प्राणवायु है। एक एक शब्द हमें गरिमा और अर्थ प्रदान करता है। इस विषय पर विस्तार से बोलने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से पधारे वरिष्ठ कानूनविद कनक तिवारी जी हैं। आपका जन्म 26 जुलाई 1940 को रांची में हुआ था। आपने अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। विवेकानंद, गांधी, अंबेडकर, नेहरू, भगत सिंह, राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित तिवारी जी ने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें संविधान का सच, फिर से हिंद स्वराज, काल इनमें ठहर गया है, बस्तर, लाल क्रांति बनाम ग्रीन हंट, गांधी और पंचायती राज, गांधी का देश, जिरहनामा, संविधान की पड़ताल मुख्य है। सर का बहुत बड़ा परिचय है, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। आपने अनेक विदेश यात्राएं की हैं। आप सुप्रीम कोर्ट तथा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य हैं। जब आप बोलते हैं तो मुझे लगता है आपके बोलने में एक ऐसी लय है जो हमें पकड़े रहती है, हमें जोड़ कर रखती है। आज के गंभीर विषय पर भी हम आपको सुनना चाहते हैं और मैं आपको उतने ही सम्मान से आमंत्रित करता हूं। आदरणीय कनक तिवारी जी, इस सभा में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, सैनी परिवार के सभी आदरणीय सदस्यगण, हमारे आतिथेय और इस पूरे आयोजन के कर्णधार प्रोफेसर सुभाष चंद्र जी, प्रसून जी और सभी आदरणीय मंच पर उपस्थित मित्रों, श्रोता बंधुओं, कुछ बच्चे, मुझे पता नहीं कि मैं इस विषय के साथ न्याय करने के लिए बुलाया गया हूँ या नहीं। न्याय करना शायद संभव नहीं होगा क्योंकि न्याय तो इस देश में अदालतें ही नहीं कर पा रही, तो मैं क्या करूँगा। मैं जिसको 48 साल से ओढ़ता बिछाता हूँ वो आइन का जिरहनामा आपको सुनाता हूँ। मैं केंद्र सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसके कुछ फैसलों के कारण, संसद के फैसलों के कारण, यह संविधान की पवित्र किताब, ये आइन हमारा, जो किसी कदर गुरु नानक देव के गुरु ग्रंथ साहब से या बाइबल से या कुरान शरीफ से या गीता से हमारे लिए कम पवित्र नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक बंद किताब के रूप में अभी तक था। बंद किताब तो ईंट की तरह होती है, उससे सर तोड़े जाते हैं, उसको पढ़ा नहीं जाता। हम इसको अभी तक अपने सर माथे पर लगाते थे लेकिन जहन में घुसता नहीं था। मैं सरकार ने जिस वजह से भी किया हो, मैं उस वजह में नहीं जाऊँगा। मेरा विषय सियासत से संबंधित नहीं है, सियासी पार्टियों से संबंधित नहीं है, लेकिन संविधान की राजनीति से संबंधित तो है। पहली बार हिंदुस्तान के लोगों ने तथाकथित सरकारी अत्याचार या जुल्म से बचने के लिए या उसका विरोध करने के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए, उसे असहमति व्यक्त करने के लिए संविधान की किताब को अपनी छाती से लगाया
तिरंगे झंडे को अपने हाथ में लिया और महात्मा गांधी के चित्र की तरफ, उनके रास्ते की तरफ चलने की कोशिश की। हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है। इसके पहले भारत में 70 साल से हम जैसे लोगों के लिए, मैं एक वकील हूँ, एडवोकेट जनरल भी रहा हूँ, सीनियर एडवोकेट भी हूँ, बहुत पापड़ मेले हैं मुकदमों में। शुरुआत में केवल रोटी खाता था, फिर रोटी और नमक मिलने लगा इस मुकदमे में, इस पेशे में, फिर मक्खन और घी मिलने लगा तो ज़्यादा खा लिया तो हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद फिर लौटा और मैंने महसूस किया कि ये संविधान वकीलों और जजों की जागीर बन के रह गया है। संविधान इस देश का राजपथ बन गया है, उसको जनपथ बनाने की हमको कोशिश करनी चाहिए। जिन महसूसों के लिए संविधान हमारे आइन के निर्माताओं ने बनाया था, हम उनको भूल गए। किस कदर जद्दोजहद की, संचालक जी ने बताया, आज़ादी की लड़ाई में लड़े तो गरीब, लड़े तो मुफलिस। कि जो बहुत बड़े बड़े लोग थे, दीवान बहादुर थे, राय बहादुर थे और तमाम इस किस्म के खान साहब थे, बहुत से बड़े लोग थे, ये तो अंग्रेज़ों के जयप्रकाश नारायण के शब्दों में, मैं तो पैदा नहीं हुआ था इसलिए मेरे शब्द नहीं हैं, जयप्रकाश नारायण का शब्द लेने से सुरक्षित हो रहा हूँ। इसलिए जयप्रकाश नारायण ने कहा कि ये तो अंग्रेज़ों के जूते झाड़ रहे थे, उनके तलुए सहला रहे थे। राज गरीब का होना चाहिए था, लेकिन राज गरीब का नहीं हुआ, राज इनका हो गया और अब तक कुछ चल रहा है। ये एक बहुत दुखद स्थिति है हिंदुस्तान के संविधान को लेके। मुझे बहुत खुशी है कि सुभाष चंद्र जी हिंदी के अध्यापक हैं, हिंदी साहित्य के अध्यापक हैं। अमूमन इस देश में हिंदी साहित्य के अध्यापकों ने भी साहित्य की सीमाएं इतनी सिकोड़ के रख दी थी, कविता कहानी उपन्यास आलोचना के अंदर, कि विचार का साहित्य तो हमको पढ़ने मिलता नहीं था। मैं अपने कॉलेज के ज़माने में जब विद्यार्थी था, यानी कि जब मैं जवान था, यानी कि जब मुझे ज़िंदगी का हौसला बाकी था, तो बोनस की ज़िंदगी चल रही है शायद, उस वक्त मैं डॉक्टर लोहिया के साथ था। डॉक्टर लोहिया का नाम सुनने से एक मन में धड़कन सी उठती है कि एक नौजवान आदमी हमारे देश में साहसी था। लोहिया ने उस समय जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तब मुझसे कहा था कि हिंदी साहित्य में, हिंदी के लिखने वालों में मुझे एक परेशानी है कि वो समाज के विषयों में, सामाजिक विषयों में, अर्थशास्त्र में, प्रशासन में, राजनीति में, इतिहास में, इन चीज़ों में हिंदी में बहुत अच्छी किताबें लिखी नहीं जाती, हिंदी के लोगों को संवेद होकर के सब कुछ लिखना चाहिए। लेकिन ये संविधान के साथ नहीं हुआ, हमने अपना संविधान बनाया। संचालक जी ने कहा है कि आज़ादी की लड़ाई में जो लोग थे शामिल, उन्होंने संविधान बनाया, उसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ, क्योंकि संविधान में भी तो बहुत संशोधन हो रहा है। अगर अगर पूछे कि जो बुनियादी किताब है उसमें कितने संशोधन हो गए, तो मैं वकील होकर नहीं बता सकता, लेकिन एक फॉर्मूला बताता हूँ कि जितने बरस की आज़ादी है उसमें 1.5 का गुणा कर दो, उतने संशोधन मिलेंगे। 70 साल हो गए, 104 संविधान में संशोधन हो गए और इसी गति से हम चल रहे हैं। हम अपनी मुकम्मल किताब तक में संशोधन कर देते हैं, तो उसमें एक संशोधन ये है कि आज़ादी की लड़ाई में जितने लोग शामिल थे वो तो संविधान बनाने में थे, लेकिन उसके साथ जो हमारी रियासतें थीं उस समय, सैकड़ों रियासतें थीं, उनके प्रतिनिधि भी उसके अंदर थे। उसमें बहुत से पढ़े लिखे लोग, आलिम फाजिल लोग, जिसमें जज थे, जिसमें वकील थे, बैरिस्टर थे, वो अफसर लोग थे, बहुत रिटायर्ड लोग थे, ये भी इसके अंदर शामिल थे। एक मुगालता दूर कर लीजिए, मैं 80 का होने चला हूँ, इतनी उम्र जी चुका सुभाष चंद्र जी, जितनी उम्र में गांधी जी चले गए थे, सरदार पटेल चले गए थे, सुभाष बाबू बहुत पहले चले गए, भगत सिंह तो बहुत पहले चले गए, मैं सबसे ज़्यादा जी चुका हूँ। इतिहास में बड़े लोग ज़्यादा नहीं जीते, कीड़े मकोड़े बहुत जीते हैं। इतना जीने के बाद भी मैं आपसे अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि केवल हमारी आज़ादी के सूरमाओं ने संविधान नहीं बनाया, इस संविधान को बनाने में थोड़ी गफलत भी हुई है। और चूंकि मैं अपने मन से अपनी बात कहने आया हूँ, अनुच्छेद 19 ने मुझको आज़ादी दी है कि मैं अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बात कह सकता हूँ, तो हो सकता है कि तरमीम करने की ज़रूरत पड़े, हो सकता है कि आप उससे इत्तफाक ना रखें, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इस संविधान को बनाया उन लोगों ने जिनमें अंग्रेजियत का पुट जाता था। इस संविधान को बनाया 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आधार पर, वो हमारा ढांचा था, हमने उसके रंग रोगन लगाए, पलस्तर चढ़ाए, ईंटें इधर उधर की, पंखे लगाए, साफ सफाई करी और बहुत कुछ उसको इंडियनाइज करने की, भारतीय परिस्थिति में लाने की कोशिश की। लेकिन संविधान का मूल जो ड्राफ्ट था वो सर बी.एल. राव ने बनाया था और उसको हमने अपने संविधान के बाकी मित्रों की मदद से, बाकी सदस्यों की मदद से ठीक करने की कोशिश की। अलग से कुछ चीज़ें हैं,
हिंदुस्तान एक अनोखा देश है। अव्वल तो बात यह है कि हम बोलते बहुत हैं, हिंदुस्तान से ज़्यादा, हिंदुस्तानियों से ज़्यादा दुनिया में कोई नहीं बोलता। इसलिए हमारा संविधान भी सबसे वाचाल संविधान है। भारत के संविधान में 90,000 शब्द हैं, अमेरिका जैसे ताकतवर देश के संविधान में केवल 7,000 शब्द हैं। तब राजेंद्र प्रसाद से पूछा, जो संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो, हम बहुत दिन बाद आज़ाद हुए हैं, सदियों बाद पहली बार मौका मिला है, तो जिनको जिनको मौका मिला उनको सबको बोल लेने दो। बोल लेने का मौका अगर मिलता है उसको हिंदुस्तानी अपनी फतेह मानता है, और इस तरह हमारा संविधान बहुत बोल कर बना। दूसरी खसूसियत हमारे संविधान की एक और है, जो दुनिया में शायद और किसी संविधान की ना हो। हमने अपना संविधान बनाना शुरू किया 9 दिसंबर 1946 को, हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को। हमने आज़ादी के पहले संविधान बनाना शुरू किया और ख़त्म किया हमने 26 नवंबर 1949 को। तो आधा हमारा आइन आज़ादी के पहले बना, आधा हमारा आइन आज़ादी के बाद बना। ऐसा भी आइन दुनिया में और कहीं नहीं बना। अब जब हमारे संविधान में परेशानी आती है, जो सवाल आप उठा रहे हैं, तो हमारी संसद, हमारा सुप्रीम कोर्ट, जब कभी कोई कठिन सवाल आएगा, जहाँ वैक्यूम है, जहाँ शून्य है, जहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो वहाँ ब्रिटिश परंपराएं जो है, इंग्लैंड की जो परंपरा हमको तमीज सिखाती है, हम उनसे पूछने जाते हैं, उन गोरों से जिनकी हमने गुलामी की, कि यहाँ पर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमको समझाइए। तो आज भी ब्रिटिश हुकूमत की जो वहाँ की संस्कृति की, वहाँ की जो सभ्यता की, जो इतिहास की चीज़ें हैं, हम उनको पढ़ के, हमारा सुप्रीम कोर्ट बड़ी बड़ी बातें करता है कि देखो, हमने फैसला किया, 1680 में ऐसा हुआ था, 1750 में ऐसा हुआ था, इंग्लैंड में ऐसा हुआ था। हम इस तरह की मानसिक गुलामी के संविधान के साथ भी जीवित हैं, ऐसा कहने में हमें गुरेज तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा संविधान जो है मित्रों, खासतौर से नौजवान दोस्तों, और ख़ासतौर से वो जो इसको जिन्हें के लिए, पेशे के लिए, जनता की सेवा के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, ये बहुत दार्शनिक बोझिल शब्दावली में है, 19वीं सदी की अंग्रेज़ी में है। 19वीं सदी की अंग्रेज़ी बड़ी कठिन अंग्रेज़ी थी, अलंकारिक थी, शास्त्रीय थी, बहुत बोझिल थी, क्लिष्ट थी, समझ में नहीं आती थी। फिर भी उस भाषा को हमारे जो बड़े लोग थे, वो सब इंग्लैंड में पढ़े थे, अम्बेडकर वहीं, नेहरू जी वहीं, सरदार पटेल वहीं, गांधी जी वहीं, राजेंद्र प्रसाद वहीं, सारे के एम मुंशी वहीं, सब के सब वहीं, अधिकांश वहीं। तो उस तरह के एक बोझिल दार्शनिक शब्दावली में बना। अब उसको पढ़ने के लिए हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदी जानने वालों को तो शब्दकोश लगता है, लेकिन दुख इस बात का है, हैरत इस बात की है, कि उस अंग्रेज़ी में लिखे आइन का तर्जुमा जो हिंदी में किया, वो अंग्रेज़ी से भी ज़्यादा कठिन है। हमारे को गौरव प्राप्त है, आपने छत्तीसगढ़ कहा, छत्तीसगढ़ में एक शहर दुर्ग, मैं उस शहर से आता हूँ। हमारे शहर दुर्ग से संविधान सभा के सदस्य थे घनश्याम सिंह गुप्त, हिंदी में तर्जुमा करने वाली जो कमेटी बनी थी उसके वो अध्यक्ष थे। तो मुझे इस बात का फख्र है कुरुक्षेत्र में आकर आपको बताते हुए कि भारत के संविधान का सबसे कठिन हिंदी में अनुवाद जो किया, वो मेरे शहर के प्रतिनिधि ने किया है, और मैं उनका प्रतिनिधि बनकर आपको चुना। अब उसके बाद आचार्य रघुवीर आए। आचार्य रघुवीर का नाम आपने सुना होगा। आचार्य रघुवीर की हिंदी और अलंकारिक थी, उस हिंदी में उसको फिर सुधारा गया। मतलब एक बिगड़ी हुई चीज़ को ज़्यादा बिगाड़ने को भी हिंदुस्तानी सुधार कहते हैं, वो हमने सुधार किया। अब वो इतनी कठिन हिंदी में है कि उसके हिंदी में आपको शब्द नहीं मिलेंगे, मायने ढूंढे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको समझना पड़ता है। इससे सुभाष चंद्र जी, चूँकि मेरा समय बहुत कम है, इन्हें जीवन का समय तो बहुत है, भाषण का समय कम है। 300 हमारे सदस्यों ने 3 बरस में जो संविधान बनाया, मशक्कत करते, बहुत बड़े लोग थे, वो जब बैठते थे सुबह 10 से और शाम को 8 बजे रात तक, तो केवल बहस करते थे, बातचीत करते थे, कई बार खाना नहीं खाते थे। वो हमारे सांसद जो संविधान सभा के थे, वो ऐसे लोग थे जो कि संसद में बैठ के ब्लू फिल्में नहीं देखते थे। वो संसद में बैठ कर के एक दूसरे को मारपीट नहीं करते थे, एक दूसरे के चेहरे नहीं बनाते थे, एक दूसरे की झप्पी नहीं लेते थे, वो इस तरह के लोग थे। उन्होंने हमारा संविधान हमको बना के दिया, और वो जब संविधान हमको बना के दिया, तो जिस कठिन अंग्रेज़ी और किस कठिन हिंदी में था, मेरा आपको सुझाव है, क्योंकि आपने मुझे पहली बार और आखिरी बार शायद बुलाया है, मैं इसलिए आपसे कह दूँ कि कोशिश करिए हमारे संविधान का जो असली हिस्सा है, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 51 क तक है, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 51 ए तक है, वो दार्शनिक हिस्सा है, बाकी तो सब उसमें
कलाकारी है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, सब इस तरह हमारे नौकर बहुत से हैं। हम भारत के लोग तो मालिक हैं ना, हमारे नौकर हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा। इसको अगर आप अनुवाद करा दें, क्योंकि आप देश हरियाणा के हैं, आप बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत समझदार हैं, आपसे उम्मीद करता हूँ। अपने शहर में हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे शहर में तो खराब अनुवाद किया है, वहाँ जाऊँगा तो डांट पड़ेगी। आप उसका सरल भाषा में 1 से 51 तक एक छोटी सी किताब छाप दें, जिसको हम लोग सब पढ़ सकें, जिसमें हिंदुस्तानी के शब्द हों, जिसमें हरियाणवी के हों, पंजाबी के हों, या और तरह के हों, जिससे लोग समझ सकें, तो वो ज़्यादा बड़ी सेवा होगी, बजाय हम लोगों के गाल बजाने के आपके बीच में आके। और छोटी छोटी टिप्पणियाँ हम जैसे लोगों से अगर लिखने की आप उम्मीद करेंगे, तो हम आपकी मदद करेंगे। ये हम संविधान की हलफ उठा के आपके बीच में कहना चाहते हैं, ताकि हमारी नई पीढ़ी संविधान की असली मालूमात होना चाहिए। वो उस ज़माने की हिंदी में है, जब आपके बालमुकुंज गुप्त होते थे, प्रताप नारायण मिश्र होते थे, शिवपूजन सहाय होते थे, गुलाब राय होते थे, और भी भारतेंदु हरिश्चंद्र, इस तरह के प्रताप नारायण मिश्र, इस तरह की हिंदी में है। वो हिंदी इतनी कठिन है, मैं आपको संक्षेप में एक मिनट बता दूँ। हमारे संविधान में अनुच्छेद 49 है, अनुच्छेद 49 में अंग्रेजी में लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस। ये जो हमारी बहुत सी इतिहास की, पुरातत्व की इमारतें हैं, इनको हम कैसे बचाएं? तो संविधान हमसे कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट बाय टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, स्पॉइल से स्पॉइलेशन। अब हिंदी में लिखा है कि हम अपनी जो इस तरह की इमारतों को बचाएंगे, तो उसको लुंठन से बचाएंगे। अब आप इस यूनिवर्सिटी के हिंदी के अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, और उसके विभागाध्यक्ष हैं, ये लुंठन शब्द कहाँ से आया? मैंने गूगल किया, तो गूगल कहता है कि इसका मतलब तो होता है लूटना या लुढ़कना। फिर मैं, अब चूंकि इन्होंने, अमित जी ने बताई दिया, मैं रांची में पैदा हुआ हूँ, मैं रांची में स्टेशन मास्टर के बंगले में पैदा हुआ था ना, और किसी जगह नहीं, तो अच्छा हुआ आप नहीं समझे। तो मैंने फादर कामिल बुल्के का जो शब्दकोश है, मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी रहा, अंग्रेजी भाषा पढ़ाता रहा, हिंदी में भी पढ़ाता रहा, तो फादर कामिल बुल्के की शरण में गया, तो उन्होंने कहा कि भाई इसका मतलब होता है लूट खसोट। तो अगर मेरे पूर्वज लिख देते कि हम अपनी मॉन्यूमेंट्स को लूट खसोट से बचाएं, तो उनका क्या स्वर्ग बिगड़ जाता? उन्होंने लुंठन लिखा। एक और है बेईमानी का खेल, जो जगमोहन सिंह जी ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि बहुत समझदार हैं और मैं उनसे बहुत देर से मिल रहा हूँ। एक पद्म पुरस्कार होता है, हमारे यहाँ चलते फिरते कोई भला आदमी सड़क में चलता रहता है, उसकी पीठ पर ठप्पा मारते हैं, पद्मश्री हो जाता है, उसे बेचारे को पता नहीं होता। उसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 18 में, अंग्रेजी में पढ़ें, नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, आई रिपीट, नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। आपको एकेडमिक डिस्टिंक्शन अगर आप में है, तो आपको वो पदवी मिलेगी, पद मिलेगा, पद्म पुरस्कार मिलेगा। हिंदी में कहते हैं, अगर आप में विद्या संबंधी, एक्सीलेंस का हिंदी अनुवाद संबंधी होता है क्या? एक्सीलेंस का हिंदी अनुवाद होता है प्रावीण्य, प्रवीणता, कुशलता। तो पद्म पुरस्कार उन सबको मिल रहा है जिनमें कोई प्रावीण्य नहीं है हिंदी में पढ़ के, कि विद्या संबंधी है तो दे दिया अपने संबंधी को। एक पद्म पुरस्कार मिला था हमारे एक कवि को, जो हास्य रस के कवि हैं और पद्मश्री, और उसी साल वही पुरस्कार भारत में संस्कृति के सबसे बड़े विद्वान गोविंद चंद पांडे को मिला था। ये हमारे संविधान का इस तरह अपमान होता है हिंदी भाषा के अनुवाद के कारण। बहरहाल, क्या है संविधान? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया। मैं इस सभा को बहुत विनम्रता से उसकी असहमति के या सहमति के या परेशानी के या खुशी के बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के संविधान का अगर कल्पना किसी ने की है, वो जवाहरलाल नेहरू ने की है।
हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू से बेहतर एक्सटेम्पोर तात्कालिक बोलने वाला नेता, तात्कालिक भाषण की तरह बोलने वाला नेता कोई हुआ नहीं है। एक बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं विश्व के, उन्होंने कहा कि मेरी दुनिया में केवल दो सबसे बड़े आदमी हैं, एक जो तैयार भाषण उससे बेहतर कोई नहीं दे सकता पूरी दुनिया में, वह चर्चिल, और दूसरा जो किसी भी तैयारी के बिना किसी भी विषय पर अथॉरिटेटिवली मास्टरी के साथ बोल सकता है, वह भारत का जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने संविधान की परिकल्पना हमको दी और उस परिकल्पना को साकार किया है डॉक्टर अम्बेडकर ने। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं धर्म में विश्वास नहीं करता लेकिन ज्ञान में तो करता हूं। मैंने एक आदमी का नाम लिया, बार बार मेरे जहन में आ जाता है मैं क्या करूं। अगर जवानी में किसी का बुद्धि का कीड़ा आपको काट ले तो जीवन पर उसका जहर नहीं उतरता। मेरी जवानी में सबसे पहले राम मनोहर लोहिया ने मुझे काटा था। लोहिया ने कहा है कि व्यक्ति का तो नहीं लेकिन इतिहास का पुनर्जन्म होता है, फीका और मारात्मक हो लेकिन वो जन्म जरूर होता है। और मैं भारत के संविधान के लिए सुभाष चंद्र जी इसको कहना चाहता हूं, पूरे पश्चिम का जो आडंबर है नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, ये सबका सब बनाया है तीन बड़े लोगों ने, सुकरात, सोक्रेटिस, उसके बाद उनके चेले प्लेटो, और उसके बाद कालक्रम में अरिस्टोटल, अरस्तु ने। सुकरात सत्य का आग्रही था इसलिए उसको जहर पीना पड़ा। उसके बाद प्लेटो आया जिसने रिपब्लिक कहा, दुनिया को बताया कि कैसे लोकतंत्र चलाया जाए, संविधान बनाया जाए, दुनिया कैसे चलाई जाए, रिपब्लिक लिखा। उसके बाद सोक्रेटिस एक कदम और आगे बढ़ के आए, उन्होंने ज्ञान विज्ञान के सारे इलाके में दखल किया और उनसे बड़ा कोई हस्ताक्षर हमको मिलता नहीं है पश्चिम की दुनिया में। पता नहीं क्यों भारत के साथ ये न्याय हो गया। गांधी भारत के सुकरात हैं, सत्य का जितना आग्रह सुकरात में था वो गांधी में था। सुकरात को जहर पीना पड़ा, गांधी को गोली खानी पड़ी। गांधी का चेला जवाहरलाल प्लेटो का भक्त था, प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा, जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी अध्यापक जानते हैं। गांधी ने, उनके बाद नेहरू ने, रिपब्लिक शब्द नेहरू को बहुत प्यारा था। कभी कभी संविधान सभा में चूहल भी होती थी। अब ये संविधान सभा की 12 जिल्दों में इतनी मोटी किताब है करीब 10 किलो की, अब तो मैं हार्ट अटैक के बाद उसको एक बार उठा नहीं पाता हूँ। उसको पढ़ने के बाद पता लगता है कि नेहरू और अम्बेडकर में चूहल भी होती थी। नेहरू ने डेमोक्रेटिक शब्द नहीं लिखा, हमारे संविधान की शुरुआत में डेमोक्रेटिक शब्द प्रजातंत्र नहीं लिखा, रिपब्लिक लिखा। तो अम्बेडकर ने आपत्ति की, बोले पंडित जी ये रिपब्लिक क्या है? तो पंडित जी ने उसको नहीं हटाया, बोला नहीं ये रहेगा। उसके बाद अंबेडकर आए अरस्तु की शक्ल में और अंबेडकर ने संविधान बनाया। अंबेडकर पहले चुनाव हार गए थे, गांधी जी और नेहरू जी उनको संविधान सभा में लाए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हार गए थे, गांधी और नेहरू उनको फिर से संविधान सभा में लाए। मेरे हिसाब से अम्बेडकर को लाए तो ठीक किया, बाकी और आगे नहीं किसी को लाना था। बहरहाल अब मैं क्या करूँ, ले आए अम्बेडकर। अगर उस संविधान सभा में नहीं आता, मैं संविधान के एक विद्यार्थी की हैसियत से अपने पूरे ईमान के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का संविधान बन ही नहीं सकता था अगर बाबा साहब उसमें तो केवल बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा थी जो उसकी एक एक परत को, एक एक सतर को उन्होंने छील कर साफ कर एक साफ सुथरा संविधान भारत के लोगों को हमारे भविष्य के वास्ते दिया। न गांधी अड़ सकते थे इतिहास से, ना नेहरू अड़ सकते थे, ना जवाहरलाल के बाद न अम्बेडकर अड़ सकते थे। ये हमारे तीन निर्विकल्प नेता थे। जगमोहन सिंह जी ने चूंकि आज मेरा स्पर्श किया है इसलिए भगत सिंह ने मेरा स्पर्श किया है। मैं भगत सिंह का भक्त। याद रखें, आज हिंदुस्तान में जवाहरलाल पर चाहे जो भी हमला हो रहा हो, जवाहरलाल पर हमला इसीलिए हो रहा है कि जवाहरलाल के रास्ते से अगर हम हट जाएं हमलावर लोगों को आसानी होती। केवल भगत सिंह थे जिन्होंने भारत का संविधान बनने के 20 साल पहले कहा था, हिंदुस्तान के नौजवानों, गांधी जी महान हैं लेकिन उनके रास्ते से हम चलेंगे तो शायद हमें दिक्कत होगी। हम लाला लाजपत राय की बहुत इज्जत करते हैं, सुभाष चंद्र बोस तो महान नेता है लेकिन वो बहुत भावुक और कल्पनाशील है। अगर वैज्ञानिक समाजवाद के रास्ते हिंदुस्तान को चलाना है तो जवाहरलाल नेहरू के साथ लगो, वही आदमी देश को आगे चलाने की बात करेगा। भगत सिंह से बड़ा भविष्यवक्ता इस देश में कोई नहीं हुआ। मैं इसलिए भगत सिंह के शब्दों में इस बात को आपसे दोहराना चाहता हूँ।
समाजवाद शब्द हमारे संविधान में शुरू में नहीं था। एक संविधान में समाजवाद के बारे में दो मिनट आपसे समझना चाहता हूँ। भारत के राजनीतिक इतिहास में समाजवाद नाम का पहला शब्द विवेकानंद ने कहा था, कालक्रम में चूंकि पहले पैदा हुए। हालांकि उनका समाजवाद वैदांतिक समाजवाद था। गांधी ने भी कहा कि मैं समाजवाद चाहता हूँ, हालांकि उनका समाजवाद सर्वोदयी समाजवाद था। उसके कालक्रम में नेहरू का समाजवाद था वो फेबियन समाजवाद था, और लास्की का, बर्टन रसिल का, बर्नार्ड शॉ का और तमाम लोगों का फेबियन समाजवाद क्या है, इसको दूसरे विश्व युद्ध की खंडकों में बैठकर जब लड़ाई चल रही थी अपने दोस्त कृष्ण मेनन से वो सीख रहे थे, समझ रहे थे। अगला समाजवाद लोहिया का था, जो जर्मनी का समाजवाद था। इसके बाद समाजवाद शब्द का असली उच्चारण तो किया भगत सिंह ने, और जिसने रूस के तमाम लोगों को पढ़ रखा था, पूरे वामपंथ को पढ़ रखा था। हमारे अलग अलग तरह के समाजवाद के चेहरे हैं। लेकिन जब हमारा देश में समाजवाद आया, हमारे देश में संविधान बना, उसमें समाजवाद नाम का कोई शब्द नहीं था। ये तो इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को जोड़ा, तब ये शब्द आए। आपने जिनका उच्चारण किया, अगर ये 1977 के पहले आप यहाँ खड़े होते तो आप समाजवाद नहीं पढ़ सकते थे, आप पंथ निरपेक्षता नहीं पढ़ सकते थे, तब भी हमारे बीच में इस तरह के शब्द हमारे बीच के अंदर आए। लेकिन एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, अब बोलना भी नहीं चाहिए, मैं बहुत भयभीत हूँ ज़्यादा बोलने से आयोजक महोदय से। लेकिन हिंदुस्तान के समाजवाद और हिंदुस्तान के संविधान को समझने में, हिंदुस्तान के आईन के मर्म को समझने में हमें कुछ गलतियां हमने की हैं। इतिहास केवल नायकों का होता है। कार्लाइल ने कहा है कि केवल हीरो जो होते हैं बस उनकी कहानी तो इतिहास है। भगवान राम होंगे, भगवान कृष्ण होंगे, मुझे पता नहीं, मैं तो था नहीं उस समय, आप रहे होंगे तो पता नहीं, हुए होंगे। लेकिन अगर हुए होंगे तो उस समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो इतिहास में केवल नायक होते हैं। आईन के बनाने में भी नायक थे, लेकिन कुछ नाम हमको नहीं भूलना चाहिए। अगर इनकी बात हमने मान ली होती तो हिंदुस्तान के संविधान का जो मर्म होना चाहिए था वो आज हमारे सामने होता, और इस सभा में इस तरह बोलने की हमें जरूरत नहीं पड़ के हम कुछ और बात कहते। प्रोफेसर के टी शाह, दामोदर स्वरूप सेठ, काजी नजीरुद्दीन, मौलाना हसरत मोहानी, विशंबर दयाल त्रिपाठी, एस नागप्पा और इस तरह के कई नाम, हमारे यहाँ ऐसे गुमनाम सदस्य हुए हैं, हमने इनको महत्व नहीं दिया, इनके सारे संशोधनों को वापस करा दिया या खारिज कर दिया। एक बात और समझ लीजिए, आज जिस सद के अंदर उस वक्त भी होता था, इतिहास एक निर्मम हथियार है, उसको किसी गर्दन से परहेज नहीं है। और जब मैं आपसे बात कहता हूँ तो मैं संविधान की हलफ उठा के आपसे बात कहता हूँ, हमारे साथ इस तरह का अन्याय जो ऐसे लोगों के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अध्यक्ष जी, उस वक्त भी संविधान सभा में जबरिया अपने विचार थोपने का रिवाज था, उस समय भी सत्ता की असंधि चलती थी। महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी, जो नौजवान यहाँ बैठे हैं उनसे मैं खास अनुरोध करूँगा, सबसे सस्ती किताब है पूरे हिंदुस्तान को समझने की, 70-80 पेज की किताब है, शायद 10-15 रुपये में मिल जाती है, हिंद स्वराज। आप हिंद स्वराज को जरूर पढ़िए, वो 1909 में बैरिस्टर गांधी ने लिखी थी, कोट पतलून पहनने वाले महात्मा ने नहीं, एक वाक्य लिखा है कि ब्रिटेन की संसद हिंदुस्तान में मत लाओ, ये संसद वेश्या है। गांधी ने लिखा ये संसद प्रोस्टिट्यूट है। यानी बेसेंट ने कहा कि बापू ये क्या कर रहे हैं, आप शरीर का आदमी, इतना सभ्य, सुसंस्कृत, सांस्कारिक, शास्त्रीय, उच्च कोटि का विद्वान, इतना अहिंसक, आप वेश्या लिखते हैं संसद को? तो गांधी ने कहा मुझसे गलती हो गई, मैं वेश्या नहीं कहूंगा, संसद वेश्या नहीं है, संसद नर्तकी है। तो प्रधानमंत्री के इशारे पर नाचती है। क्या हिंदुस्तान की संसदें आजादी के बाद प्रधानमंत्री के इशारों पर नाचती नहीं रही है? आज भी नहीं नाच रही है क्या? एक व्यक्ति के हाथ में पूरे 137 करोड़ का भार है, 33 का करोड़ का रहा होगा, 60 करोड़ का रहा होगा। हमने इस तरह का एक पवित्र संविधान बनाने की कोशिश की। कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने डंके की चोट पर, दो बार कहा, हमारा संविधान जब बना तो आखिरी दिन कहा
कि संविधान है क्या, ये हमारी नियत का, हमारी नियति का कागज का पुर्जा है, कागज का टुकड़ा है, किताब है, हमने इसको दिया। आगे आने वाली सरकार और संसद कैसे चलाएगी हमारे हाथ में नहीं है। आगे चल के बाबा साहब ने कहा, जब कांग्रेस छोड़ी, जब सरकार छोड़ी, क्या मेरे बस में हो तो संविधान को जला दूं, ये किसी काम का नहीं है। बाद की पीढ़ियों ने संविधान के साथ जिस तरह का सलूक किया, हिंदुस्तान के नौजवान दोस्तों, आप उसको याद रखने की कोशिश करो, इस तरह संविधान का लालन पालन नहीं होता है। और आज जिस चीज़ से हम लड़ रहे हैं, पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत चलनी चाहिए, किसका देश है ये, हिंदुस्तान का आइन क्या कहता है। हमारा देश सभी मजहबों का, सभी विश्वासों का, सभी जातियों का, सभी धर्म के लोगों का, सबका एक साथ मिलकर चलने वाला देश है। एक वाक्य आपको याद दिलाता हूँ, पंथ निरपेक्षता को सबसे ज्यादा समझा था स्वामी विवेकानंद ने। 11 सितंबर 1893 को जब वो शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण कर रहे थे, इतिहास इस बात का गवाह है, एक वाक्य उन्होंने कहा था जिस पर सबसे पहले तालियां बजी, और वारे हिंदुस्तान, अच्छा हुआ जो सुभाष चंद्र ने हमको यहाँ बुला लिया, हम लोगों को कुछ बोलने का मौका मिला, लिखने पढ़ने का भी शायद मिल जाएगा। 1893 में जो विवेकानंद ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा था, वो हिंदुस्तान में रामकृष्ण मिशन को भी 1950 तक नहीं मालूम था, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। 1950 के आसपास मेरी लुई बर्क नाम की एक महिला ने अमेरिकन 6 खंडों में अमेरिका में और यूरोप में विवेकानंद नाम की अंग्रेजी में किताब लिखी, उसमें एक वाक्य लिखा जो विवेकानंद ने उस सभा में कहा था कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन इन द सेक्रेट लैंग्वेज ऑफ विच द संस्कृत द वर्ड एक्सक्लूजन इज अनट्रांसलेटेड। मैं उस पवित्र देश और उसकी भाषा संस्कृत का गौरव करता हूँ जिस भाषा में बहिष्कार नाम शब्द का अनुवाद भी नहीं होता है। यह विवेकानंद ने हमारे व्यक्ति, ये संविधान का मर्म है, यह हमारा संविधान है। हम किसी का बहिष्कार नहीं करते, हम आत्मस्वीकार करते हैं। मित्रों, जितने मजहब हिंदुस्तान में है दुनिया में कहीं नहीं है, जितनी बोलियां हिंदुस्तान में है दुनिया में कहीं नहीं है, जितने तरह के लोग हमारे साथ में आए दुनिया में कहीं नहीं गए। ये विश्वास का हलफनामा है हमारा मुल्क, ये देश नहीं है, दुनिया है, ये स्वर्ग की तरह है, हम यहाँ पर इसको इस तरह से करना चाहते हैं। अगर आप गांव में कोई पूछे जाके तो विवेकानंद का भाषण अंग्रेजी में आप कहोगे, आप सिर हिला रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, कोई वक्ता भाषण दे और कोई मान लीजिए असहमति में सिर हिलाए तो वक्ता को गलत फहमी रहनी चाहिए, तो क्या कहेंगे आप। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम में एक स्वामी विरागी जी महाराज आते थे, जहाँ अमित ने बताया उसी बिहार से, बिरागी जी महाराज, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। हम लोगों को ऐसी कुछ गाल बजाने वालों को इकट्ठा किया गया कि आप सेकुलरिज्म पर भाषण दीजिए, अलग अलग धर्म के लोग, हम लोग बोल रहे थे, स्वामी जी आके बैठ गए, जैसे सैनी जी बहुत पवित्र आत्मा की तरह बैठ गए, आके बैठ गए। आखिर में कहा, मैं एक वाक्य बोल दो क्या, मुझे समझ नहीं आया आप लोग क्या बोलते हैं। तो लोगों ने कहा कि आप बोलिए, तो आए बिरागी जी महाराज, एब्सोल्युटली इन योर फेस, उन्होंने कहा देखो भैया हम क्या है धर्म निरपेक्षता इसको तो नहीं जानते, लेकिन एक बात जानते हैं कि चौका हो हिंदू का, जो बहुत पवित्र होता है गोबर से पुता हुआ, चौका हो हिंदू का बनाए मुसलमान, उससे बेहतर कुक तो मेरी पत्नी भी नहीं है, चौका हो हिंदू का बनाए मुसलमान और खाए ईसाई, यही धर्म निरपेक्षता है। पंथ निरपेक्षता की इससे बेहतर और क्या परिभाषा है। अब वो हम भारत के लोग, कितना अच्छा लगता है कहने में हम भारत के लोग, हमने अपना संविधान बना के अपनी छाती पे गोली मारी है, हमने अपना संविधान बना के उसको आत्मार्पित किया है। कौन है भारत के लोग? हिंदुस्तान की जनता ने वोट दिया था, अपने नुमाइंदे चुने थे, उन नुमाइंदों ने हमारा आईन, हमारा संविधान बनाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के 6वीं अनुसूची के हिसाब से कुछ खास लोग वोट दे सकते थे, जो पढ़े लिखे होना चाहिए, इनकम टैक्स देना चाहिए, कुछ कमाई धमाई होनी चाहिए, चरित्र कलेक्टर ठीक ठाक बताए वगैरह वगैरह। 28.5% उस वक्त के हिंदुस्तान की मर्दमशुमारी में जिनका नाम था, उनने वोट दे के संविधान सभा बनाई, वो हम भारत के लोग हो गए। और डॉक्टर अम्बेडकर का जहन था, डॉक्टर अम्बेडकर की जहनियत थी, डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि उन्होंने इस बात को कहा कि हम हिंदुस्तान के लोग ही अपना संविधान बना रहे हैं, ये आपको उसके मुखड़े में लिखना पड़ेगा।
और ये मुखड़े में लिख कर तायी किया गया, तामीर किया गया, उसकी तासीर बनाई गई कि हाँ हम लोगों ने अपना संविधान बनाया है। अब ये मुखड़ा हमारा टुकड़ा हो गया है, हमने अपना संविधान बनाया है। हमको कलेक्टर साहब को साहब बोलना पड़ता है, थानेदार साहब हमको डांटते हैं, प्रधानमंत्री से तो हम मिल नहीं सकते, मुख्यमंत्री के दर्शन करना मुश्किल है, छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमको जो सिखा देते हैं कह देते हैं हमको मानना पड़ता है। कहाँ है हम भारत के लोग? हम भारत के लोग गुम हो गई इकाइयाँ हैं। हम भारत के लोगों को समझना चाहिए कि हम कौन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है, एक बार नहीं कहा, बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस भारत में सार्वभौम कोई नहीं है, कोई सॉवरेन नहीं है। अगर कोई सार्वभौम है तो ना तो सुप्रीम कोर्ट है, ना तो हाई कोर्ट है, ना तो प्रधानमंत्री है, ना तो राष्ट्रपति है, और ना ही संविधान खुद है। इस देश में सार्वभौम अगर कोई है तो हिंदुस्तान के हम लोग, हम भारत के लोग सार्वभौम हैं। हम मालिक हैं, हम मालिक हैं। हम डरे हुए क्यों हैं? हम पस्त हिम्मत क्यों हैं? हम घबराए हुए क्यों हैं? हम गुलाम मनोवृत्ति के क्यों हैं? हमें नहीं मालूम कि भगत सिंह ने हमको झकझोरा था, हमें नहीं मालूम कि गांधी ने हमको तैयार किया था, हमें नहीं मालूम कि हम जवाहरलाल और सुभाष बोस की अगुवाई में अंग्रेजों से लड़ रहे थे। हम जब तक भारत के लोग हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, हम जब तक नुमाइंदों को अपना नौकर नहीं मानेंगे, हम जब तक उनके सामने छाती अड़ा के हिम्मत से नहीं कहेंगे, सारा एक सारा दोष हिंदुस्तान की जनता का है। मैं संविधान के हलफ उठा के फिर आपसे कहता हूँ, हम अगर हिम्मत कर लें हिंदुस्तान में हर चीज़ सुधर सकती है। हम 5 बरस के लिए मतदाता बना दिए जाते हैं और फिर हम राशन कार्ड की दुकान में खड़े होने वाले नागरिक बन जाते हैं, और फिर हम नोटबंदी की लाइन में खड़े हो जाते हैं, फिर हम अपने पिता के बीमारी के लिए सरकार से पैसा मांगते हैं, हम अपने बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते। किस तरह के हम भारत के लोग हैं? तो हम अपने भारत के लोगों को संविधान ने सिखाया कि हम किसी तरह अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें। कुछ मूल अधिकार भी हमको दिए गए, एक आध उसकी बात मैं आपसे करता हूँ। हमको अधिकार दिया गया है कि हम बोल सकते हैं, हमको अधिकार दिया गया कि हम एक सम्मेलन कर सकते हैं अहिंसक, हमें अधिकार दिया गया हम देश में कहीं भी जाके बस सकते हैं, कोई भी रोजगार कर सकते हैं वगैरह। इन अधिकारों को हम कैसे अमल में लाएं, कैसे सरकार से इसको कहें तामील करो हमारे हुक्म की? सर बी एन राव थे जिन्होंने संविधान बनाया था। देखिए फिर सर बी एन राव है, कोई नुमाइंदा चुना हुआ नहीं है। सर बी एन राव को अमेरिका भेजा गया। हमने जो मूल अधिकार बनाए हैं ये अमेरिका के मूल अधिकारों से हमने नकल की है। सेंट मेरिट सेंट गेट्सबर्ग के बहुत बड़े भाषण में अब्राहम लिंकन ने जो कहा था, और उसके बाद फिलाडेल्फिया में जब संविधान बना उसमें जो कसम खाई गई थी उसमें बहुत सी बातें करी गई। सर बी एन राव को भेजा गया कि हम अपने मूल अधिकारों को जनता को दें, इसके लिए एक बात हम कहना चाहते हैं अमेरिका के संविधान की नकल करके। अमेरिका के संविधान में लिखा है कि जो मूल अधिकार हैं दे शैल बी गिवन टू द पीपल अनलेस अब्रोगेटेड बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर कानून की नैतिकता की संविधानिकता की किसी वजह से इसको ना हटाया जाए तो जनता को संविधान के अधिकार मिलेंगे। फेलिक्स फ्रैंकफर्टर ने कहा कि आप हिंदुस्तान में नहीं कर सकते, आपकी जनता को अपने अधिकारों का मालूमात नहीं है, आपकी जनता को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, आपकी जनता सदियों से गुलाम है। अगर आप उसमें लिख देंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए ही आपको सरकार प्रताड़ित कर सकती है, आपके अधिकार प्रतिबंधित कर सकती है, तो सरकारें डूब जाएंगी, आपकी चल नहीं पाएंगी। तो लिहाजा उसको चेंज करिए, बदलिए और उसको लिख दीजिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं, बाई प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, कि अगर कानून से कोई प्रक्रिया बना दी जाए तो उस प्रक्रिया के तहत। 70 साल से सरकारें हमको लूट रही हैं मित्रों, 70 साल से इतने कानून बन रहे हैं, मैंने आपसे बताया ना संविधान बेचारे में 104 संशोधन हो गए और हम सरकारों का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे को जितने तय उतने उल्टे सीधे कानून बना दिए जाते हैं। जब तक संविधान की इस बात को हम नहीं समझेंगे, वो पीछे बैठे 2-4 बच्चे हैं परेशान हो रहे हैं। एक फिल्म बनी थी आर्टिकल 15 अनुभव सिन्हा की, उसको आपने देखा होगा। अनुभव सिन्हा की आर्टिकल 15 नाम की फिल्म बहुत बेहतरीन फिल्म थी ना, वो मेरा बड़ा प्रसिद्ध और फेवरेट कलाकार आयुष्मान है, उसके अंदर वो जहाँ जहाँ रहता है मैं वहाँ चला जाता हूँ उसको देखने।
उसमें क्या कहा है? जगमोहन सिंह जी, आर्टिकल 15 कहता है कि हिंदुस्तान के नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या जनता के प्रयोग के लिए कुएं, तालाब या कब्रिस्तान वगैरह, स्मशान वगैरह में भेदभाव का शिकार नहीं बनेंगे। संविधान सभा की बहस में यह भी हुआ, एक शाहदा ताहिर हुसैन थे बिहार के, उनने बोला हमारे बिहार में अनुसूचित जाति का अभी भी होता है, हमारे बिहार में जहाँ पैदा हुए, अब तो खैर झारखंड हो गया, वहाँ भी होता है, हमारे बिहार में अनुसूचित जाति का कोई आदमी किसी सड़क पे चलता है उसको मार देते हैं, ये हमारे बिहार में होता है। ताहिर हुसैन ने कहा कि एक बात और है कि अगर कोई कब्रिस्तान में दफनाया जाए कि उसको श्मशान में जलाया जाए, इसका फैसला कैसे होगा? अगर हम ले जाएं कोई रोक देगा तो क्या होगा? एक दूसरे सदस्य थे मद्रास के एस नगप्पा, अनुसूचित जाति के थे, उन्होंने भी सवाल किया कि आप एक बात बताइए कि अगर नाई और धोबी की दुकान में कोई जाए, अपनी जाति ना बताए, और फिर नाई या धोबी उससे पूछे कि जाति बताओ और वो जाति बता दे, तो क्या नाई या धोबी उसको सेवा करने से इनकार कर सकता है? और एक तीसरा सवाल आया शिबनलाल सक्सेना का, उन्हें पूछा कि कोई राम मोरो से हिंदू होटल में मौलाना शौकत अली अगर खाना खाने चले जाए तब क्या होगा? मित्रों याद रखो, मैं संविधान की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं बाबा साहब का नुमाइंदा हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ। बाबा साहब ने जवाब दिया कि देखो भाई, नाई या धोबी जो होगा वो तो सेवा करता है और उसके आप पैसे उसको देते हैं सेवा के, तो वो इनकार नहीं कर सकता कि हम आपकी सेवा करेंगे। श्मशान और कब्रिस्तान की बात जहाँ तक है, वो तो भाई अलग अलग धर्म का मामला है और वो अलग अलग धर्म के लोग बनाते हैं, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है, संविधान क्या कर सकता है? और राम भरोसे हिंदू होटल में मौलाना शौकत अली जाएंगे भोजन करने, इसका जवाब अम्बेडकर ने नहीं दिया। वो जवाब आज भी हम मांग रहे हैं, वो जवाब पूरे हिंदुस्तान में मांगा जा रहा है। शुद्ध ब्राह्मण होने के, हालांकि ब्राह्मण होना मेरे बस में नहीं था, नहीं तो नहीं होता, लेकिन अब ब्राह्मण हो गया, मैं राम का नाम लेने पर डरता हूं। एक और दिक्कत हमारे यहां हुई, संविधान में तीन तरह के उल्लेख है, जब बना तो उसमें लिखा गया कुछ, हमारे यहां एक अध्याय चार है जिसको कहते हैं नीति निदेशक तत्व, हमारे सपने जो भविष्य में पूरा करेंगे, उसमें पूरा गांधी भरा हुआ है, गांधी भारत का सपना है, सपना वो जो पूरा ना किया जाए, जो भविष्य की पीढ़ी के लिए छोड़ दिया जाए, उसमें एक जगह लिखा है कि राज्य पूरी कोशिश करेगा 6 बरस से ज्यादा और 14 बरस से कम ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जाए, कोशिश करेगा। फिर राज्य ने संशोधन किया अनुच्छेद 21 क कि राज्य 6 बरस से ज्यादा और 14 बरस से कम इसके बच्चे को अधिकार होगा कि सरकार उसको पढ़ाए। अब यह तय हो गया, अब इसके बाद 14 बरस के बाद क्या होगा? 14 बरस, एक गरीब का बच्चा है, उसको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, हम जानते हैं, लेकिन सरकार अगर पीछे पड़ जाए कि इसको तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, संवैधानिक राइट है, पढ़ाओ, तो प्राइवेट स्कूलों में कोटा दिया हुआ है, वहां पढ़ाते हैं, अपन मान लेके पढ़ाते हैं। 14 बरस तक आदमी, बच्चा 8वीं क्लास पास करता है, एक गरीब का बच्चा 8वीं दर्जा पास करने के बाद कहाँ जाएगा? 18 बरस में बालिग होता है, राजीव गांधी की सरकार ने 18 बरस में वोटिंग का अधिकार दिया, वो सरकार बना देगा, 18 साल में बिगाड़ देगा। 14 से 18 बरस की जो बीच की उम्र है उसमें हिंदुस्तान के किसी गरीब बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है। जगमोहन सिंह जी, आप तो साइंटिस्ट हैं, मैं आपका सहायक हूँ, यहाँ और लोग भी साइंटिस्ट होंगे, समाजशास्त्री होंगे, मैं आपसे विनम्रता के स्वर में कहना चाहता हूँ, 14 से 18 बरस के उम्र के दरमियान बच्चों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यही वो उम्र है जब बच्चे साइंस के लिहाज से, एनाटॉमी के लिहाज से बदलते हैं। इस देश में संविधान ने, सरकारों ने 14 से 18 बरस के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन नहीं रखा, इससे हिंदुस्तान में 14 से 18 बरस के बच्चों के अंदर क्रिमिनलिटी का, अपराध करने का ग्राफ बढ़ गया है, ये संविधान की अवहेलना करने से सरकारों ने किया है, ये काम हमको करना चाहिए था, हमने ये भी नहीं किया। हिंदी के बहुत बड़े लेखक थे शरद जोशी, वो कहते थे
स्कूल किसको कहते हैं? जहां शाला भवन, विद्यार्थी और शिक्षक, इन तीन में से दो होता है उसको स्कूल कहते हैं। हमारे दो इस तरह के स्कूल सारे देश के अंदर चल रहे हैं। और बहुत सी बातें करना था लेकिन मैं जिन्होंने बुलाया उनसे डरता हूँ। आखिरी बात जरूर कहूँगा, जो अभी हो रहा है इस देश में, एक इनकलाब हो रहा है। मैं खुल के विनम्रता से इस बात को कहना चाहता हूँ, मैंने 1942 का आंदोलन नहीं देखा, तब मैं 2 साल का था। 1942 के आंदोलन में अंग्रेजों भारत छोड़ो जब हम कह रहे थे, 1942 का आंदोलन गांधी का आंदोलन नहीं था। गांधी ने अंग्रेजों छोड़ो कहा था लेकिन गांधी का आंदोलन नहीं था। मायने इसमें कि हिंदुस्तान का आंदोलन नौजवानों का आंदोलन था। 1942 में जितने लोग शहीद हुए हैं क्रांतिकारी, जितने नौजवान शहीद हुए, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हमारे साथ नेता थे, जवाहरलाल थे, बहुत से नेता थे। आज जो दिल्ली में हो रहा है, आज उसके कारण पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, इसमें कोई बड़ा नेता नहीं है। मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को, हिंदुस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को, जिनमें शोध छात्र हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़कियां हैं, बुरका परस्त औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तमाम लोग हैं, आज जो हम इनकलाब कर रहे हैं, ये बड़ा इनकलाब है। ये 1942 के इनकलाब से एक कदम आगे है। ये इनकलाब संविधान के बल पर किया जा रहा है, वो किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है। राजनीतिक पार्टियों को किसी आंदोलन में घुसने का मौका नहीं मिल रहा, यह ऐसा आंदोलन है। इसलिए यह संविधान का आंदोलन है, बाबा साहब का आंदोलन है, गांधी का आंदोलन है। इन चीजों को लेकर आज हिंदुस्तान के नौजवान लड़के चल रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। जो लोग हिंदुस्तान के नौजवानों से परहेज करते हैं, उनमें मेरी गिनती मत करना। मुझे अपनी उम्र के लोगों से मिलने में दिक्कत होती है। हमारी उम्र के जो लोग हैं वो सोंठ हो गए, नौजवान लड़के अदरक की तरह है। हमारी उम्र के जो लड़के हैं, हमारी उम्र के जो बूढ़े हैं, वो किशमिश हो गए हैं, नौजवान लड़के अंगूर की तरह हैं वही, लेकिन सूख गए। तो सूख गए लोग अब देश के काम आएंगे, इसमें उम्मीद कम है। और एक आदमी की सेवा, एक दो चार लोगों की सेवा कर लूं चलते चलते, एक आदमी हुआ है जिसका नाम था केटी शाह, मैंने उसका नाम भी लिया था। हमारे संविधान में एक चेहरा है अनुच्छेद 39 का, उसमें लिखा कि जितने हमारे कुदरती साधन है देश के, वो पूरे देश के काम आएंगे। लिखा है, पढ़िए, पूरे प्राकृतिक संसाधन जनता के काम आएंगे, केटी शाह ने कहा था। डॉक्टर अम्बेडकर, नेहरू जी, जनता से क्या मतलब है? जनता में वो भी शामिल होंगे जो कॉरपोरेट है, जनता में वो भी शामिल हो जाएंगे बड़े आदमी हैं। इससे उससे साफ साफ करिए कि सरकार के काम आएंगे, सरकार के मार्फत जनता के काम आएंगे। लेकिन वो बात मानी नहीं गई। ऐलानिया कहा था केटी शाह ने, उनका समर्थन और लोगों ने किया। उनने कहा कि इस संविधान सभा में जो बैठे हैं, ये खून चूसने वाले बैठे हैं, कुछ नाम लेकर का ये खून चूसने वाले संविधान सभा के सदस्य हैं, आपको गुमराह करके गलत संविधान बनवा रहे हैं। और देखना, जब हिंदुस्तान आजाद होगा तो हमारी जितनी कुदरती दौलत है, लोहा है, फ्लोरोस्पार है, एल्यूमिनियम है, बॉक्साइट है और कोयला है, और तमाम इस पे इनका एकाधिकार हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? आज देश की दौलत 5% से कम लोगों के पास है, संविधान के इस अनुच्छेद की हेठी करने के कारण हुई है। हम शर्मसार हैं कि हम हिंदुस्तान के संविधान की बहुत सी सत्रें, बहुत सी आयतें, बहुत सा उसका कहा हुआ, इसको हम ठीक से लागू नहीं करा सके। और आखिरी बात मुझे ये कहना है कि यहाँ बुद्धिजीवी हैं। मैं पहली बार किसी सभा में आया हूँ जहाँ मैं घबरा रहा हूँ। आमतौर पर संविधान के बारे में जब मैं डींग मारता हूँ तो मैं जनता का, श्रोताओं का चेहरा देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है इन्हें तो कुछ पता नहीं है। और जब वक्ता को पता लग जाए कि इनका चेहरा साफ है तो कुछ भी कहो, कविता करो, तो भी कोई सुनने वाला नहीं, समझने वाला। लेकिन यहाँ मुश्किल है। मुझे नहीं पता था, मैं सुभाष चंद्र जी आपसे इत्तेफाक नहीं करता, आपने कहा था कि हमारे हरियाणा का नाम बहुत बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं पता, मैं साहित्य वाहित का आदमी नहीं हूँ, मैं कविता नहीं करता, कविता मेरी पत्नी करती है, वो तुलसीदास है, मैं रत्नावली, मैं नहीं जानता कविता क्या है। लेकिन समाज शास्त्र का जिस तरह का आपने सिलसिला शुरू किया है, ऐसा हरियाणा के अलावा मैंने कहीं नहीं देखा। तकरीबन इस महफिल में मेरे साथ केवल 10 लोग होंगे मेरी उम्र के, इसलिए मैं अनुभव से कहता हूँ, अनुभव ही मेरी पूंजी है। हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों को
जिनमें बहुत से चेहरे मैं यहाँ देखता हूँ। एक जरा सी घटना बता दूँ, मेक्सिको पर अमेरिका ने हमला किया तो मेक्सिको पर हमला करने के कारण जजिया कर जैसा टैक्स लगाया गया। तो एक हेनरी डेविड थोरो हुआ करते थे विद्वान, सुभाष चंद्र जैसे पढ़े लिखे, उन्होंने कहा यह टैक्स मैं नहीं दूंगा, ये जालिम का टैक्स है, जुल्म का टैक्स है, मैं नहीं दूंगा। और टैक्स उन्होंने नहीं दिया तो अमेरिका की सरकार ने टैक्स नहीं देने के कारण थोरू को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। हालांकि वो 24 घंटे जेल में रहे, किसी ने टैक्स भर दिया, वो छोड़ दिए गए। लेकिन उन 24 घंटे के अंदर उनके दोस्त एमर्सन उतने बड़े विद्वान थे, थोरो गांधी के गुरु थे, एमर्सन से विवेकानंद प्रभावित थे, वो गए। तो एमर्सन ने थोरो से सवाल किया कि भाई थोरो तुम यहाँ क्यों हो, जो जेल के अंदर थे। तो बाहर थे एमर्सन, तो थोरो ने उलट के पूछा तुम यहां क्यों नहीं हो। जब देश में खत्म हो रहा है मामला, दुनिया में खत्म हो रहा है मामला, तब ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी क्या कर रहे हैं? केवल कविता कहानी लिखना अच्छी बात है और चीजें करना अच्छी बात है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के चिन्ह को आगे बढ़ाना हिंदी भाषा में हम सबका मिला जुला कर्तव्य है। हमें उस बात को पूरी तौर से करना चाहिए। और एक इसके पहले कि मुझे हटा दिया जाए, हालांकि मैं हट ही रहा था, एक आखिरी ख्वाहिश अनुरोध है कि एकाध बार कभी श्याम बेनेगल ने 20 किश्तों में संविधान नाम का सीरियल बनाया है जो टेलीविजन पर आया है, मेरे मित्र हैं वो, एक बार श्याम बेनेगल का उस सीरियल बच्चों को, नौजवान पीढ़ी को, जनता को आप दिखा दें। संविधान आपका बहुत एहसान मानेगा जिस तरह मैं इनका एहसान मानूंगा। मिस्टर आसिम मान्यगण, सभा में उपस्थित श्रोतागण, आपने एक बहुत ही सौरणी संतुलित सारगर्भित भाषण सुना। इतने गंभीर विषय को इस रोचकता से पेश करना, ऐसी अदाकारी प्रोफेसर तिवारी जी के पास है और ये उनकी समझ को दर्शाता है। आपने जो आशंका जताई थी उसको झूठ से साबित करते हुए आपने बहुत ही न्याय किया इस विषय के साथ, और हमारे श्रोताओं इसकी हाँ भी भरी, इसको ताली के साथ स्वीकार किया। मैं ज्यादा वक्त ना देता हो गया, मैं हरियाणा सुप्रीम कोर्ट के आयोग की ओर से और देश हरियाणा की टीम की ओर से आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, यहाँ आज के हमें लाभान्वित किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।